अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। राजधानी में पानी की किल्लत होगी, 24 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा, 60 घंटे तक कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा। कोलार की मेन ग्रेविटी लाइन में मरम्मत होगी, प्रभावित क्षेत्रों में भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। राजधानी में पानी की किल्लत होगी, 60 घंटे तक कॉलोनियों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, 24 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी नहीं आएगा और ये पानी 60 घंटे तक लोगों को नहीं मिल पाएगा, प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई 60 घंटे तक, प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। राजधानी में पानी की किल्लत होगी तो लोगों को काफी परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है, लेकिन जो है वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी बात यहाँ पर की जा रही है कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी उन प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। 60 घंटे तक कॉलोनी में पानी नहीं आएगा, 24 से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं होगी। कोलार की मेन ग्रेविटी लाइन में मरम्मत का काम चल रहा है जिसके चलते पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, राजधानी वासियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है, 24 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी 60 घंटे तक, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, बुकिंग करने की बात भी कही गई है कि जिन लोगों को पानी की व्यवस्था करनी है या पानी मंगवाना है तो उनको लिए टैंकर से पहले ही बुकिंग करने की बात कही गई थी और वो बुक करके टैंकर्स बुक कर सकते थे। इस दौरान उनको टैंकर से पानी जो है वो मिल जाएगा। किसी प्रकार से कोशिश ये की जा रही है नगर निगम के द्वारा कि पानी की किल्लत शहर में ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है तमाम सारी उपयोग की जा रही है। इसके साथ ही ये बात जरूर साफ है कि जब 12 मई शुरू होगी तो 12 मई से अगले 60 घंटे तक लगातार जो है वो 24 से ज़्यादा कॉलोनियों में पानी नहीं जाएगा। तो ऐसे में कोशिश यही है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए, लेकिन कोशिश ये भी है कि जल्द से जल्द जो कोलार की ग्रेविटी मेन पाइपलाइन है उसको सुधार कर उसका जो मरम्मत कार्य होना है उसको जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि एक कॉशन टाइम जो जरूर नगर निगम ने 60 घंटे का लिया है, लेकिन अगर उससे पहले भी मरम्मत हो जाती है तो उसके पहले भी पानी सप्लाई जो है एक बार फिर से शुरू होगी। हालांकि पहले से ही लगभग 10 दिन और 15 दिन पहले से ही नगर निगम ने तमाम सारी जो कॉलोनी जहाँ पर पानी की सप्लाई बाधित होगी वहाँ पर लोगों को जानकारी दे दी थी, वहाँ पर जानकारी पहुँचा दी थी। तो ऐसे में लोगों से ये भी कहा गया है या अपील भी की गई है कि पहले से ही पानी की व्यवस्था करके रखें, अपने साथ में ज़्यादा पानी का उपयोग अगर ज़रूरत नहीं है तो उसका ज़्यादा पानी का उपयोग ना करें और पानी बचा कर ही काम करें। ऐसे में 60 घंटे तक उनका पानी का जो काम है वो चल जाएगा और उसके बाद जैसे ही मरम्मत कार्य पूर्ण होगा वैसे ही जो पानी की सप्लाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, तो कोई भी दिक्कत जो है वो पेयजल से संबंधित किसी को नहीं आएगी। लेकिन अगर पानी का अत्यधिक उपयोग होता है और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो पानी का उपयोग करते हैं तो इससे सीधा असर जो है 60 घंटे तक लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई नज़र आती है क्योंकि 24 कॉलोनी और 24 कॉलोनी के साथ में लाखों लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं। तो ऐसे में अब ये जरूर देखना होगा कि जब 12 तारीख से 60 घंटे तक पानी की जो व्यवस्था है वो बाधित रहेगी तो उस दौरान किस तरीके का माहौल पैदा होता है और जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात नगर निगम ने की है उस वैकल्पिक व्यवस्था से लोगों को कितना फायदा होता है। बिल्कुल, वैकल्पिक व्यवस्था की जो है बात तो कही गई है, वाकई देखने वाली बात होगी दुष्यंत जी, क्योंकि कई बार कह तो दिया जाता है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं और ऐसे में 60 घंटे तक लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कौन कौन सी ऐसी जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर प्रभावित रह सकते हैं पानी की सप्लाई और साथ ही लोगों के क्या कुछ इंतज़ाम, वो भी देखने वाली बात होगी। तो कौन कौन सी कॉलोनियाँ, क्योंकि लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि उनके लिए कहा जा रहा है कि पानी की व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम करने वाला है, लेकिन अब कितनी व्यवस्था हो पाती है उन पर भी लोगों की नजर होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 24 कॉलोनियां हैं इधर पर, जैसे
जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो सकती है या फिर ये कहें कि जिन क्षेत्रों में पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर इन कॉलोनियों के जिस तरीके से नामों की बात की जाए तो अरेरा कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी, 1100 क्वार्टर्स की कॉलोनी है, जनता क्वार्टर्स, मीरा नगर, 4 इमली, पंचशील नगर, प्लेटिनम प्लाजा, शास्त्री नगर, जवाहर चौक, जवाहर बाल उद्यान, गिनौरी पार्क, मोती मस्जिद, निषादपुरा, वहीदिया टंकी, पिंजोमल टैंक, पुराना बस स्टैंड, बाल विहार, काजी कैंप, नेहरू नगर, वैशाली नगर, कोटरा साउथ, टीटी नगर, अम्बेडकर नगर, सरस्वती नगर, 25वीं बटालियन, गीतांजलि कॉम्प्लेक्स, संजय कॉम्प्लेक्स, शाहपुरा ABC सेक्टर और उसके साथ में गुलमोहर, त्रिलंगा, E7 एक्सटेंशन, गोरागांव, बिशनखेड़ी, सेवनिया, गोंड, नीलवर, शाहपुरा, छावनी, इस्लामपुरा, नदीम रोड और लखीरापुरा में जल सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और इतनी बड़ी संख्या में जब कॉलोनियों में प्रभावित होगी पानी की व्यवस्था, तो उससे त्राही त्राही जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था की बात जरूर की जा रही है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था से उतनी सुदृढ़ता जो है वो इस व्यवस्था में नहीं आ पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुधार कार्य करने की बात भी यहाँ पर नगर निगम द्वारा की जा रही है। जी बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल 24 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 60 घंटे तक व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है कि आप अपनी तरफ से भी व्यवस्था कीजिए और नगर निगम भी अपनी तरफ से व्यवस्था करेगा, वैकल्पिक व्यवस्था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो दावा किया जा रहा है, बातें कही जा रही हैं, उन पर नगर निगम अपनी बातों पर कितना खरा उतर पाता है, क्योंकि ऐसे गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की दिक्कत होगी और ऐसे में नगर निगम जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहा है वो कर पाता है या नहीं।